We're starting with the previous lecture. We were studying regarding the people involved in meal planning, right? So we have completed the dietitian's role, general role of dietitian. Right? Yes, ma'am. And So, okay. So we have defined that what are the basic role of dietitian, that they need to identify the needs of every client. आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम टॉकिंग अबाउट डायटिशियन, सो मील मैनेजमेंट में उनका क्या रोल होगा? मील मैनेजमेंट, जब भी हमारे माइंड में बात आती है तो मील मैनेजमेंट से रिलेटेड हम कहते हैं कि रेस्टोरेंट्स की बात करें, होटल्स की बात करें या केटरिंग सर्विसेज की बात करें. नो, मील मैनेजमेंट घर पे भी होती है, मील मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स कैफेटेरियाज में भी होती है. We know that the patients in certain hospitals are only served the food from the hospital cafeterias. Special diets are also being planned in the hospital cafeteria. For example, Al Shifa Lane of Islamabad. Mein. I don't know about the more about the hospitals of the Lahore, but Peshawar mein hai Rahman Medical Institute, RMI. So they serve the patients from their own cafeterias. Specific types of diet are planned by the dietitians and given to them. So, what about the food service professional? What is the role of food service professional in regarding the meal planning? So, they are specifically responsible for planning and preparing foods and meals within budgetary restrictions. Important thing is that चाहे वो इंस्टीट्यूट में हो, रेस्टोरेंट में हो, हॉस्टल में हो, फूड सर्विस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, देयर रोल इज एक्चुअली टू प्रिपेयर एंड प्लान द फूड. एक बजट उनको एलोकेट किया जाता है, उस बजट के अंदर अंदर वो फूड की प्लानिंग भी करते हैं, कौन सा फूड बनाना है एंड हाउ दे हैव टू प्रिपेयर दैट फूड एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर रिस्ट्रिक्शंस दे हैव टू फॉलो, हाउ टुगेदर इन अ ग्रुप दे हैव टू वर्क. तो उनका काम क्या होता है, एक्चुअली दे ट्राई टू ब्लेंड क्रिएटिविटी विद द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ फूड. ब्लेंड क्रिएटिविटी मीन्स दैट आपको क्रिएटिविटी से क्या समझ में आता है, फूड में क्रिएटिविटी क्या हो सकती है? कैन एनीबडी टेल मी? मैम डिफरेंट रेसिपीज डिशेस को और कुछ इंट्रोड्यूस करवाना मतलब और कुछ वो तो आपकी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट रेसिपीज को इंट्रोड्यूस करें, जिसमें आपको प्रैक्टिकल में एक वर्ड यूज किया कि आजकल मिक्सचर ऑफ फ्लेवर्स यूज हो रहे हैं, बहुत ऑफ फ्लेवर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है. एंड दे गिव सम यू समथिंग डिफरेंट सेंसेशन जो आजकल लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना. तो ब्लेंड क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आपको घर पे भी आप करते हैं, क्रिएटिविटी सैलेड बनाते हुए कोई क्रिएटिविटी करते हैं? यस मैम उसकी सिंपल, डिजाइनिंग यस, सिंपल से एंड एग्जाम्पल देती हूँ. प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड यस, प्रेजेंटेशन ऑफ फूड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे प्रेजेंटेशन देखिए, आप कभी जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोल्टन लावा कंज्यूम करते हैं, थोड़ी सी प्लेट होती है, उस पर छोटा सा मोल्टन लावा पड़ा होता है, साथ में छोटी सी उसमें आइसक्रीम ऐड की होती है छोटे से बाउल में, और बड़ी सी प्लेट को सिर्फ जो है वो कैरेमल जो लिक्विड होता है उसके साथ जो है उसको उन्होंने डिजाइन किया होता है, एंड दैट कॉस्ट ह्यूज अमाउंट, राइट. ऐसे ही है ना, छोटे से अमाउंट यस को मैम सिर्फ यस प्रेजेंटेशन मैम की वजह से दे कॉस्ट यू ह्यूज अमाउंट फॉर दैट, ठीक है. सो दे बिकम एक्सपेंसिव इन दैट वे. सो क्रिएटिविटी को साइंटिफिक नॉलेज मीन्स दे नो नाउ डेज के अगर किसी चीज का बिटर टेस्ट है, हाउ टू मास्क दैट बिटर टेस्ट, दे नो अबाउट दैट. इफ समथिंग हैज स्वीट टेस्ट बट इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग मोर कंसर्न अबाउट दी शुगर, सो वट कुड बी एडेड दैट वुड इनहांस द स्वीटनेस और दैट इज मोर स्वीटर देन शुगर but doesn't give calories. So this is what the scientific knowledge is. So when we blend the scientific knowledge with the creativity, ठीक है, this is what the role of food service professional. Smart buying. What do you mean by smart buying? Can anybody tell me smart buying? कि मैम किसी सारी मार्केट्स का ध्यान रखें और जहां से जो कोई कोई भी फूड या कोई भी चीज सस्ती मिल रही है तो आप वो जो बाय करें. बल्क में मिले, अच्छी क्वालिटी में मिले और सस्ती मिले, यानी कि प्रॉपर शॉपिंग लिस्ट बनाकर उसके बाद अपनी चीजों को देख कर मार्केट को अपना पूरा प्रॉपरली टेंडर्स किस तरह भरने हैं, हर चीज को प्रॉपरली देख कर उसके बाद वो परचेज करते हैं. पर्सनल मैनेजमेंट भी, पर्सनल मैनेजमेंट सॉरी, दिस इज पर्सनल मैनेजमेंट. जहाँ हम बात करते हैं जो लोग फूड सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, वेटर्स हो गए, शेफ्स हो गए, उनकी मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस टू बी फिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज.
अगर आपने कोई चीज बेचना चाहते हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड दी ऑडियंस, चाहे वो आप क्लोथिंग मार्केट ले, चाहे वो फूड मार्केट ले, वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिजाइन, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू फूड डे बाय डे, बिकॉज दे नो दैट वी द पाकिस्तानी स्पेसिफिकली आर टेस्ट कॉन्शियस. ठीक है, वॉट इज अ रिक्वायरमेंट, उसी चीज को देख के कस्टमर की डिमांड क्या है, उनको क्या चाहिए, उस चीज को देख कर जो है वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते, डेवलप करते हैं, देन लॉन्च करते हैं. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द रोल ऑफ फूड सर्विस प्रोफेशनल, दैट दे हैव टू ब्लेंड देयर क्रिएटिविटी विद द नॉलेज. सिंपली मैं कहूँ दे शो इन टर्म्स ऑफ फूड नॉलेज, दे शो देयर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड. फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट का क्या रोल है, FST जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स हमारे, दे क्रिएट सेफ फूड प्रोडक्ट दैट आर टेलर्ड टू द लाइफस्टाइल, हेल्थ नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. अगेन फूड सर्विस प्रोफेशनल्स और फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट का ऑलमोस्ट सिमिलर रोल है, लेकिन वो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका स्पेसिफिक जो रोल होता है वो परचेजिंग में, प्लानिंग में, मैनेजमेंट में होता है. बट हियर द फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट they actually work on creating something innovative, they try to create innovative products, they try to get new products. जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल दूं कि सिंपली लोग तो आई थिंक पॉरेज पहले भी खा रहे थे, आउट पॉरेज पहले भी खाते थे, ठीक है ना, लेकिन उसकी इतनी सेल नहीं थी. सिंपल उसमें एक वर्ड एड कर दिया गया, ओट पॉरेज हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ द कॉलोन कैंसर, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं. ठीक है, सिर्फ इतना लिख दिया कि कॉलोन कैंसर को या हेमरॉइड्स को या पाइल्स को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प कर दिया, एक सेंटेंस अगर उसके ऊपर लिख दिया जाए तो व्हाट डू यू थिंक द सेल विल इंक्रीज और नॉट इंक्रीज? पहले तो सिर्फ वो लोग खाते थे जिनको जो डाइट कॉन्शियस होती है, वेट कॉन्शियस होते थे. नाउ एक सिंपल सेंटेंस लिख दिया, दिस इज द न्यू प्रोडक्ट. सिंपल एक लाइन और लिख दी, वही पुराना प्रोडक्ट उसके ऊपर एक लाइन लिख दी, नया बन गया. दिस इज व्हाट द फूड साइंटिस्ट डू. They actually tackle with the lifestyle of individual. They tackle with the health needs of an individual and food preferences of consumer. They go to the market. They survey the market that what does consumer want now. जैसे कि लेज को देखें, पहले लेज मसाला था, then लेज सॉल्टी आया, then now अब क्लासिक भी आ गया. ठीक है ना, change कर, because something is there that is not lacked in other, or the customer wants something new flavor. So layers will get different day by day new flavors होते हैं. This is what the scientists are doing. Lifestyle लोगों की देखते हैं, consumers की preferences देखते हैं, कि health requirements को देखते हैं, food develop कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि food fortification होगी, food enrichment होगी. All these are the works of the food scientists and technologists. Clear now the three specific professionals that are basically involved in the meal planning and management. Yes, ma'am. Okay. So, I move on now to the next topic, that is philosophy, values and goals in meal planning. Philosophy, मैं वो philosophies की बात नहीं करूँगी जो आजकल के नए philosophically या फिर कोई emotional या spiritual जो आपको values को provide करने. Here, philosophy means that what actually we think about the menu planning. What are the questions that actually comes in our mind regarding the meal planning? What general and fundamental problems we will face when you try to plan a menu, try to plan a meal? ठीक है? So in the context in which the families and people wish to eat, ठीक है? ये क्या है हमारे पास philosophies, values, meal, and there are certain things the family think और जो family चाहती है किस environment में या लोगों के हिसाब से वो किस कुछ खाने के किस हर एक तरीके होते हैं, वैल्यूज होती हैं, हर एक कल्चर होते हैं, विशेज होती हैं. ठीक है ना, नो सिंगल पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू बी बेस्ट फॉर ऑल. आप लोगों के अपने घर का एक तरीका होगा, एक टाइमिंग होगी, एक पैटर्न होगा खाने का, द टाइप ऑफ द फूड यू प्रिपेयर, द प्रोसेसिंग मेथड दैट यू यूज इज माइट नॉट बी सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल. कभी आप ये सोच सकते हैं कि जिस तरह का साग आपकी मम्मा बनाती है, जरूरी नहीं कि हर एक इंडिविजुअल साग बनाएगा, सेम साग उसी तरीके से बनाएगा. हो सकता है ऐसा? नो मैम. सिंपल से एक एग्जाम्पल है, तो हर एक का खाने को लेकर उनकी सोच जो होती है, ठीक है, वो डिफरेंट होती है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिलॉसफी, वैल्यूज एंड गोल्स. ठीक है, हर एक के लिए खाने की वैल्यू डिफरेंट होती है. कोई खाना खाता है पेट भरने के लिए, कोई खाना खाता है लोगों को अपनी इकोनॉमी, अपने पैसा शो करने के लिए भी. आई थिंक दिस इज क्लियर कि कोई पैसा शो करने के लिए कैसे खा सकता है. ठीक है, कोई खाना खाता है
गुड हेल्थ के लिए, कोई खाता है अपने पैसों को शो करने के लिए, कोई खाना खाता है ये सोचकर भी कि मैंने अपनी एक अपने रिजर्व्स को, अपने रिसोर्सेज को रिजर्व भी करें। तो हर एक की सोच खाने को लेके डिफरेंट होती है, ठीक है। सो फिलोसफी इज स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। फिलोसफी क्या है बस, इट्स अ जनरल स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम्स, जो चीजें हम लोग सोचते हैं मेन्यू प्लानिंग के टाइम पे, उनको स्टडी करने को हम फिलोसफी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वट कैन मील टाइम कंट्रीब्यूट टू फैमिली कम्युनिकेशन। एक जनरल सी बात है, क्या मील टाइम हमारी फैमिली की कम्युनिकेशन को किस तरह कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्या या फिर क्या मील टाइम हमारी फैमिली कम्युनिकेशन को कंट्रीब्यूट कर सकती है? क्या आप लोगों के घर में खाना खाते हुए लोग बात करते हैं या सब लोग अलग अलग खाना खा लेते हैं? करते हैं बात, करते हैं बात, ये तब करते होंगे जब लोग ज्वाइंट फैमिली में होते हैं, इकट्ठा खाना खाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि इंडिविजुअल लाइक टू ईट सेपरेटली, हर एक अपना अपना खाना लेता है, अपने अपने रूम में जाता है और खा के तो वापस प्लेट रख देता है, या फिर वो भी शायद मम्मा को लानी पड़ती है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम ये जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू कि क्या फैमिली जो है वो एक साथ खाना खाएगी। खाना खाने का यहाँ मकसद ये भी है कि अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ मिलकर वो बैठे। यस, खाना खाने का सिर्फ मतलब है कि खाना खाओ और जाओ, पेट भरो और जाओ, ठीक है। आई थिंक आजकल ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल खाना खाने का मतलब है पेट भरो और जाओ, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज कॉस्ट कंट्रोल टू द फूड बजट? बिफोर प्लानिंग द मेन्यू ये देखना है कि क्या बजट, फूड बजट जो है कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि कॉस्ट की बात करें, एक्सपेंसिस की बात करें, इज दैट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेन्यू प्लानिंग? यस, फॉर द पुअर पीपल इट हैज अ ग्रेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, ठीक है। बट फॉर रिच पीपल द कॉस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, सो मेन्यू कैन बी प्लान इजली इन दोज होम्स। कैन फैमिली मील इनहांस सोशल स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल? क्या जो फैमिली मील है उसके थ्रू हम लोगों के अपने बच्चों के सोशल स्किल्स को इनहांस करने की कोशिश करें, या फिर यानी कि जाके अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं या इस तरह की चीजों को? तो फैमिली का मतलब क्या है एज कंटेक्स्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है। हाउ कैन फैमिली मील प्रमोट द हेल्थ ऑफ वेरियस फैमिली मेम्बर्स? और किस तरह हम इस फैमिली मील के थ्रू अपने डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन थ्रू मील इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें पता है कि थ्रू प्रॉपर जब डाइट प्लान होती है, प्रॉपर मील हमारे पास सर्व होता है विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जैसे कि सैलड भी हो, रायता भी हो और चीज, तो इट विल ऑल्सो ऑलवेज इंश्योर द हेल्थ ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। और क्या इस ये सोच है हमारी, हम जो सिर्फ सोच है कि क्या फैमिली मील से हाउ डिफरेंट फैमिली मेंबर्स अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हैं मील प्रिपरेशन एंड सर्विसेज में? शो करते हैं, ऑब्वियसली शो करते हैं, जैसे कि बच्चियों को सैलेड बनाने के लिए दे देते हैं तो बच्चियां अपनी क्रिएटिविटी शो कर रही होती हैं उसमें, ठीक है ना। तो हर एक के लिए तरीका है, कई लोग अपनी प्रेजेंटेशन शो कर देते हैं, कई लोग अपने खाने की जो टेस्ट है वो शो करें, कई लोग सर्विंग में बेटर होते हैं, तो हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो फैमिली मेंबर्स इकट्ठे जो मिल के काम कर सकते हैं, या फिर ओनली वन पर्सन हैज टू सर्व दी थिंग्स। इन व्हाट अदर वेज कैन फैमिली मील्स एड टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ फैमिली एज अ ग्रुप और एज एन इंडिविजुअल? क्या फैमिली मील लोगों की क्वालिटी में कोई चेंजेस ला सकता है इन अ फैमिली, पूरी फैमिली में, या किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उनकी सोच में, उनकी सोशल लाइफ में? क्या फैमिली मील से कोई चेंज आ सकता है? दीज स्टिमुलेटेड थॉट्स हाउ मील्स कैन बी पिवोटल और पॉजिटिव पॉइंट इन लाइफ ऑफ पीपल। फिलोसफी एक्चुअली में ये बताता है कि हम डिफरेंट लोगों की लाइफ में बाय फिलोसफी या बाय दीज क्वेश्चंस वी एक्चुअली डिफाइन दैट हाउ वी कैन मेक मील एज अ पॉजिटिव पॉइंट इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। यस, एक घर में अगर आप देखें इन चीजों को, अगर हम सोचें, ठीक है, इफ यू हैव अ जॉइंट फैमिली व्हाट हैपेंस, द फीमेल्स वर्क टुगेदर टू मेक द मील फॉर द होल फैमिली। बच्चों के लिए अलग से चीजें हम बनाते हैं, बुजुर्ग वगैरह हैं तो उनके लिए हम अलग से चीजें सोचते हैं, तो हर एक डिफरेंट ग्रुप के लिए हम डिफरेंट बनाते हैं। इकट्ठे बैठ के खाना खाना, व्हाट हैपेंस, क्या होता है इकट्ठे बैठ के खाना खाने में, बड़े और जब छोटे इकट्ठे बैठते हैं, तो व्हाट यू थिंक आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन ऑल द इंडिविजुअल्स? जी, हाउ कैन सच टाइप ऑफ टी मील्स कैन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल? अ पॉजिटिव चेंज कैसे लेके आ सकते हैं जब बड़े और बच्चे बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे? मैम, सोशल स्किल्स एनहांस होते हैं,
और कम्युनिकेशन उसे इसको लैबोरेट करेंगे। जी बेटा आई एम वेटिंग। मैम, ओल्ड लोग जो होंगे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जो यंग होंगे वो अपना जो है प्रॉब्लम्स वगैरह बताएंगे। वेरी गुड, एक्सपीरियंस बड़े शेयर करते हैं जिससे काफी हद तक छोटों की जो प्रॉब्लम्स हैं शायद वो सॉल्व हो जाती हैं, और छोटे अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिसके जो सॉल्यूशन हैं उनको वो मिल जाते हैं। दोनों तरीके से, यानी कि टू वे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। प्लस दी ओल्डर एज जब इंसान बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको लगता है अकेले बैठ के कि देयर इज नो वन टू टेक टेक देयर केयर, तो इस तरह उनको भी अकेले होने का एहसास नहीं रहता। दे बिकम मोर सोशल एंड इट कीप्स देयर माइंड हेल्दी, इट इम्प्रूव्स देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अदरवाइज उनको अकेले छोड़ दें तो उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिटेरियरेट हो जाती है, बिकॉज सोशल हेल्थ होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। मोर ओवर बच्चे जो आजकल फोन में लगे थे, देखिए फॉर देम फैमिली मील के टाइम पे अगर अपना फोन वगैरह छोड़ देते हैं, दे बिकम टू अवेयर दैट दे हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर एज वेल एज दे आर समवन इन देयर लाइफ हु आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। आजकल उनके ट्रेंड चेंज हो रहा है, बच्चे टीवी के आगे बैठ के अपना खाना खा रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग दे वॉच द मूवीज, दे वॉच द ड्रामास। सो व्हाट हैपेंस, ऑब्वियसली द इंट्रैक्शन द वे दे यूज्ड टू इंट्रैक्ट इन द early years, now they are not doing the same way, ठीक है। तो family meal से हम इन सब चीजों को ख्याल रख सकते हैं, और एक family के अंदर अगर ये मैं family meal की बात कर रही हूँ तो काफी चीजें जो है इम्प्रूव हो सकती हैं, हम एक न्यू जनरेशन को काफी चीजें जो है थ्रू फैमिली सिखा सकते हैं। वैल्यूज समथिंग दैट इज कंसिडर वेरी डिजायरेबल और सिग्निफिकेंट, हर एक की अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है फूड को लेके वो डिफरेंट होती है, उनके लिए फूड की इंपॉर्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल एंड एटीट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ अ फैमिली टुवर्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियल्स टू विच दे विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली आर कमिटेड। ये वो क्वेश्चंस हैं लोगों के, वो सोच है लोगों की, वो एटीट्यूड है एक फैमिली में जिस, और या वो आइडियल्स हैं लोगों के जिसके ऊपर बेस्ड वो अपने जिनके लिए वो कमिटेड होते हैं, यानी कि वो किसी चीज के लिए भी अपने इन कमिटमेंट्स को अपने आइडियल्स को चेंज नहीं करते, ठीक है। लोगों की हर एक की अपनी भी सोच होती है एक फैमिली में खाने को लेकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दस्तरखान लगा के नीचे बैठे खाना खाते हैं, बट काफी सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने स्ट्रेंथ को चेंज कर दिया और डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खाते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए डिफरेंट मीनिंग हो गया यहाँ पे, कुछ जो जिनकी आइडियाज हैं वो चेंज नहीं करते, और कुछ हैं जो विद द चेंज इन टाइम फॉर एग्जाम्पल पैसा आने की वजह से भी अपने आप को शो करने के लिए काफी हद तक अपनी आइडियाज को रिमूव करते हैं, बट स्टिल दे वैल्यू हैव फूड हैज सम वैल्यू इन देयर लाइफ। तो वो क्या वैल्यू फूड की, सिग्निफिकेंस क्या है उस फूड का उनकी लाइफ में, लेट्स सी। देयर डिफरेंट वैल्यूज इन मील प्लानिंग, फॉर एग्जाम्पल सम कई लोगों के लिए मील जो है खाना जो है वो गुड हेल्थ का एक सोर्स है, कई लोगों के लिए खाना एक सोशल वैल्यू है, यानी कि सोसाइटी में अपने आप को शो करने के लिए या अपनी फैमिली में इंट्रैक्ट करने के लिए खाना एक मीडियम है, दैट्स इट। कल्चर, कई लोगों के लिए कल्चरल वैल्यू है खाना, मैं अपने कल्चर को शो करना, मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगी आपको थ्रू बुक। कई लोगों के लिए मील प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ टाइम एनर्जी एंड कॉम्बिनेशन रिसोर्स, वो ये जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम एनर्जी और कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, उसमें ज्यादातर होता है। कई लोगों के लिए खाना मनी है या खाना मनी को बचाना है, कई लोगों के लिए खाना बनाना है क्रिएटिविटी को, कई लोग बड़े शौकिया तौर से खाना बनाते हैं जैसे कि शेफ हो गए, उनके लिए खाना बनाने क्रिएटिविटी है, कई लोग इंटरेस्ट से खाना बनाते हैं। कई लोगों के लिए ये मील प्लानिंग जो है जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ वैल्यू फॉर एजुकेशन है, मैं आपको अगर ये पढ़ा रही हूँ या मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाती जिसमें आप लोगों को मैं चीजें बनवाती, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ प्रिपरेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, हम लोग ड्रिंक्स बनाते, सो दैट वुड मैं उसके थ्रू आपको कुछ एजुकेट करने की कोशिश करती, मेनली उस वक्त वो मील प्लानिंग क्या होती, वैल्यू फॉर एजुकेशन, जो मैं बनवाती वो मील मेरे लिए आपको पढ़ाने का एक तरीका होता, ठीक है। तो हर एक के लिए मील प्लानिंग का मतलब डिफरेंट है, मील प्लानिंग की वर्थ डिफरेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस डिफरेंट है, ठीक है। सो आई विल बी गोइंग, कोई क्वेश्चन सुनी बेटा बेटा, इफ देयर इज एनीथिंग और नो मैम। अच्छा मैं ये चीजें पढ़ा क्यों रही हूँ, मोर इम्पोर्टेंट थिंग इसमें क्यों बोल रही हूँ कि वैल्यू डिफरेंट है, अगर हम इन वैल्यूज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कभी भी आप किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो मील प्लान करेंगे, जो एक डाइट चार्ट बनाएंगे, डाइट प्लान बनाएंगे, वो कभी भी सही नहीं होगा।
सो फर्स्ट यू मस्ट नो इंडिविजुअल के लिए वो मील प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है. आपके पास जो आएंगे स्पेसिफिकली उनके लिए मील प्लान की इम्पोर्टेंस क्या होगी, गुड हेल्थ. बीइंग डाइटिशियन अगर आपके पास कोई आएगा तो आपके लिए उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस होगी कि आई वॉन्ट अ गुड हेल्थ, तो उनके लिए वैल्यू देगी गुड हेल्थ. लेकिन समटाइम्स टू वैल्यूज आर कंसिडर टूगेदर, फॉर एग्जाम्पल गुड हेल्थ भी, लेकिन वो अपनी मनी को भी कंजर्व करना चाहते हैं, दे डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द रिसोर्सेज ऑल्सो. तो आपने उन्हीं के बजट में रह के ऐसा प्लान बनाना है, मील प्लान, जो उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव करेगा और उनकी बजट को भी सफर नहीं होने देगा. क्लियर? यस मैम. सो आई बी शिफ्टिंग द प्रेजेंटेशन टू द बुक्स सो आई कैन शो यू व्हाट डू मीन बाय गुड हेल्थ. Is this book visible? Yes, ma'am. You can see the yellow lines also. I've already shared the book with all of you. So, यहाँ पे देखिए, one of the characteristics that families value is good health. For all the members, the state of physical well-being is considered to be important because good health is vital to the achievement of many individuals and family goals. We know that some individuals think that. That good health, यानी कि आप खाना भी खाएं लेकिन खाने के साथ आपको अच्छी हेल्थ मिले. तो दिस फूड, दिस मील इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ द गुड हेल्थ फॉर इंडिविजुअल. ठीक है, बिकॉज इट विल ऑलवेज इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फैमिली. ठीक है, अब जब एक इंडिविजुअल बड़ा अच्छा रोल, जिसकी फैमिली में भी गुड हेल्थ एक वैल्यू होती है ना खाने का, खाने को लेकर, सो उन लोगों में प्रिवेंटिव मेजर्स खुद ब खुद हो रहे हैं. लोग अच्छे डाइट जब लेते हैं तो काफी सारे डिजीज के अगेंस्ट वो प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं. सो ऑलवेज दोज पीपल हु वैल्यू मील प्लानिंग एज अ गुड हेल्थ, व्हाट हैपेंस, दे इंश्योर दैट इन द फ्यूचर दे विल बी हैविंग अ गुड हेल्थ. ओके, सो मील मैनेजमेंट इन इटसेल्फ ब्रॉड डेफिनेशन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द वैल्यू ऑफ गुड हेल्थ. हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मील मैनेजमेंट में कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की वजह से हम लोगों को गुड हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं. जिस तरह मेन्यू प्लान करते हैं, जो जिस तरह फूड प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस एनवायरमेंट में प्रिपेयर किए जाते हैं, जिस तरह वो सर्व किए जाते हैं, सारी चीज़ों को लेके एक वेल नरिश्ड बॉडी को डेवलप किया जा सकता है. जैसे कि घर में अगर झगड़े हो रहे हो, ठीक है, और खाना खाने को दिल नहीं कर रहा है, तो क्या खाना अच्छा भी बनाओ, हेल्दी भी हो, हम खाना जब लोग खा नहीं पाए उस एनवायरनमेंट की वजह से, तो क्या हमारी बॉडी वेल नरिश्ड होगी? नो नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिन लोगों के लिए अगर खाना खाना गुड हेल्थ है, तो ना तो खाना सिर्फ अच्छा प्लान्ड होना चाहिए मेन्यू कि आज हमने दिन को फॉर एग्जाम्पल सैलेड तो रखना है बिकॉज इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइबर. हम अगर दिन में पूरे दिन दूध नहीं पीते, एटलीस्ट योगर्ट होनी चाहिए, ये प्लानिंग्स होती हैं. ठीक है ना, योगर्ट होप रखेंगे तो सारे लोग खाएंगे एक साथ, तो हर एक चीज को देख रहे होते हैं, ग्रुप्स को देख रहे होते हैं, हम लोग रखते होते हैं, मेन्यू प्लान ही किया जाता है. ठीक है, फिर उसको प्रिपेयर करने का तरीका, ठीक है, सैलेड को प्रिपेयर करने का तरीका, उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, प्रॉपरली कट करना चाहिए, ठीक है, किस एनवायरमेंट में वो सर्व किया जाता है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब आपका खाना बहुत अच्छा बनाओ, हेल्दी हो, और बहुत गर्मी में आप लोग खाना खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका इनटेक कम होगा, तो एनवायरमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, किसी के लिए फूड सोशल वैल्यू है. ठीक है, जैसे कि घर में पार्टीज रखना, फ्रेंड्स को बुलाना, उनके अपनी आइडियाज शेयर करना, बिजनेस पार्टीज हो गई, तो किसी किसी के लिए फैमिली अगर एज अ सोशल वैल्यू है. फॉर एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं कि इस इंडिविजुअल ने हमसे मील प्लान करवाना है, चाहे आप वो बात कर लें केटरिंग सर्विसेज के लिए फॉर्मल पार्टी दे रहे हैं या इनफॉर्मल दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो बैकग्राउंड होगा, जो मील मेन्यू की सेटिंग होगी, जो आपका मेन्यू होगा, जो मील प्लानिंग होगी, जो सर्विसेज होंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी. ठीक है, जो अगर कोई सोशल वैल्यू, यानी कि आपको मील तैयार करना पड़ रहा है फॉर सर्टेन सोशल पर्पसेज, सोशल पर्पस मीन्स पार्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इनकेस सोशल गैदरिंग की बात कर रहे हैं, शादी है या सम सिंपली बिजनेस पार्टी है, या अपने फादर ने अपने बॉस को बुलाया हुआ है, या आप बॉस के घर जा रहे हैं, तो
तो उसमें क्या होता है कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करने का तरीका मिलता है, लोगों से डिफरेंट लोगों से मिलने का एक मौका मिलता है, अपनी भी आर्ट्स बढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। तो हर एक सेटिंग में अगर वैल्यू डिफरेंट है खाने की, तुम्हारा पूरा का पूरा मेन्यू प्लान चेंज रहेगा, पूरा का पूरा प्लानिंग मैनेजमेंट चेंज रहेगी रिगार्डिंग दी फूड, ठीक है। अगर किसी के लिए एक और तरीका, अब सोशल की बात करें, इनकम की बात करेंगे, किसी के लिए अगर फूड है अपना पैसा शो करना, अपने सोशल स्टेटस को शो करना, तो फिर इनकम उनके लिए कोई जो है वो वैल्यू नहीं रखता। तो फिर वो क्या कहते हैं, बहुत सारे आइटम्स बनवा देते हैं, चाहे जितने मर्जी कम लोग हों, तो फिर वो कहते हैं डिफरेंट आइटम बनाओ और कॉस्टली से कॉस्टली एक्सपेंसिव मील्स के ऊपर वो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो हर एक जो है फूड को लेके डिफरेंट उनकी सोच होती है, और उस सोच के हिसाब से जो मेन्यू प्लानर्स होते हैं वो मेन्यू प्लान डिफरेंट वे में करते हैं, ठीक है। किसी के लिए कल्चर है वो फैमिली है, जैसे कि पंजाबियों का कल्चर है, जब सरसों का साग आता है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, और खासकर गर्मियों में लस्सी, ये हमारा कल्चर हम पीते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आजकल तो शायद काफी हद तक ये ट्रेंड कम हो गया। इस तरह ही हर एक की कल्चर में, फैमिली में कुछ चीजें होंगी जो बेसिक इनकी डेली बेस पे बनती है, जैसे कि हमारे घरों में बनती है रोज रोटी, हमारा कल्चर है रोटी खाना, ठीक है ना। इस तरह अगर हम बांग्लादेश का, इंडिया में, तो उनका कल्चर है राइस खाना, वो 3 टाइम राइस खाते हैं, ठीक है। तो अपने कल्चर में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। कल्चरल फूड्स आर देयर फॉर एवरी इंडिविजुअल, जिनके साथ लोगों की मेमोरीज जुड़ी होती है। अब बुजुर्गों को भी देखा है चाउमिन खाते हुए, बहुत रेयर आपने देखा होगा, स्पेगेटीज खाते हुए, मैक्रोनीज पे बड़ा खुश होते हैं। मैम उनको पसंद ही पसंद ही नहीं, वो खाते नहीं है। वो क्यों नहीं खाते? एक्चुअली उनकी कल्चर में, उनकी पुरानी मेमोरीज में वो चीज नहीं है। अभी आप उनको कोई सादी सी सब्जी बना के तो वो बड़े शौक से खाएंगे, लेकिन जिसके पे अपने घंटे लगाए हैं स्पेगेटीज बनाने में शायद, तो वो उसको टेस्ट भी नहीं करेंगे। क्यों? उनके उनके लिए खाना खाना यहाँ पे उनके कल्चर भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ऑब्वियसली जैसे कि हमारे लिए हमारा अपना कल्चर है, हम रिलीजियसली कुछ चीजों को अवॉइड करते हैं, हमें हजार बार भी कोई कहे हम नहीं खाएंगे चीजें, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज द मेन्यू प्लानिंग। तो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से, हर एक फैमिली के हिसाब से पूरा का पूरा मेन्यू जो होता है प्लानिंग, वो चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। के लिए खाना डिफरेंट वर्ड डिफरेंट इंपॉर्टेंस रखता है, सही है। आई गो अ बिट मोर, मनी एंड कंजर्वेशन आपको समझ आ गई, इसलिए खाना खाना जो है वो इम्पोर्टेंस में मनी भी है, उसको बचाना भी है। तो ऑब्वियसली वो हर एक चीज को सोच सोच कर खरीदेंगे, अपने बजट को देख कर खरीदेंगे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, किसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बचाना एनर्जी कंजर्वेशन है, किसी के लिए गैस बचाना एनर्जी कंजर्वेशन है, किसी के लिए ह्यूमन एनर्जी बचाना यानी कि अपनी आपको थकावट ना देना है। तो ऐसे कोई कम अपनी एनर्जी कंजर्वेशन करनी थी, फीमेल्स में क्या करती हैं, कोई सिंपल सी चीज बना लेते जो जल्दी बन जाए, तो उसके बड़े फायदे होते हैं, गैस भी बच जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, और हम अपनी भी उसकी टाइम जो एनर्जी बच जाती है। जैसे कि वन डिश मेन्यू घर पे आप लोग रखते हैं, या फिर रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, उसमें एनर्जी तो कंजर्व हो जाती है रेडी टू ईट में, या फिर रेडी टू कुक में, जैसे कटी हुई सब्जियां ले आते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स ले आते हैं, फ्रोजन फूड्स ले आते हैं, लेकिन उसमें फिर हम कॉस्ट को नहीं देख पाते, ठीक है। तो हर एक के मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। किसी के लिए क्रिएटिविटी है, जैसे कि क्रिएटिविटी कैसे शो कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स को लेके, डिफरेंट फ्लेवर्स, एरोमास, कलर्स और शेप्स को ऐड करके। फ्रूट्स बड़े अच्छे कलर्स होते हैं फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हम उनको ऐड करते हैं मल्टीपल फ्रूट्स वेजिटेबल्स को, कलरफुल चीजें बन जाती हैं, वो क्रिएटिविटी है, सिर्फ देख कर ही अट्रैक्शन होती है। तो हर एक के लिए डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। अब एजुकेशन के हिसाब से मैं आपको एजुकेट करती हूँ, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल्स करने आएंगे, तब करें कि ऑन कैंपस क्लासेस जल्दी हों, ताकि हम भी एक दूसरे को जान सके और प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म कर सके, सो वी कैन लर्न मोर कि व्हाट आई मीन बाय दैट मेन्यू प्लान एज एन एजुकेशन वे। वहां मैं आपको सिखाऊंगी थ्रू मेन्यू प्लानिंग एक कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई विल टीच यू के प्री परचेज जो आप आर्टिकल्स लेते हैं और फिर उसको जब पील करते हैं तो आखिर में जो आपके पास रह जाता है उनकी वैल्यूज में कैसे डिफरेंस आता है, उसको कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप। तो देयर डिफरेंट थिंग्स आई वुड लाइक टू टीच यू ऑल, बट प्रैक्टिकली वो हो सकते हैं, परफॉर्म हो सकते हैं, थ्योरेटिकली थोड़ा मुश्किल है। तो थ्रू दैट आई विल बी टीचिंग यू डिफरेंट मीन्स ऑफ मील मैनेजमेंट। इस तरह ही बच्चों को सिखाया जाता है। फ्रूट्स को लेके हम बच्चों को कलर्स भी सिखाते हैं, ऑरेंज कलर, येलो कलर, डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स को उठा के बच्चों को एरोमास के बारे में सिखाते हैं, उनके सेंसेस को एनहांस करने के लिए। तो वी कैन यूज इट एज एन एजुकेशनल पर्पस ऑल्सो।
ठीक है। So we have studied the different values regarding the meal planning. We'll move on to the goals. Goals are the aims or objectives that people try to reach, an objective worthy of considerable effort to achieve. Goals depend upon what the family values. For example, अगर किसी के लिए health value है, तो उसके लिए आप क्या goals रखेंगे? यानी कि आपकी क्या, आप कैसा करेंगे कि लोगों को healthy food मिले? वो आपकी goals होंगे, ठीक है? If the family priority is good health, then the goal in meal planning should meet the demand. जैसे कि preparing 3 meals daily that confirm my pyramid. आपने my pyramid पढ़ा बच्चे? Yes, मैडम आमना ने आई थिंक पढ़ाया आपको सेकंड सेमेस्टर में? नो मैम, सर सर सुहेब ने पढ़ाया है। माई पिरामिड के हिसाब से कुछ सर्विंग्स हैं, आप लोगों को याद हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कुछ सर्विंग्स होंगी। यस मैम, यस मैम। तो उसमें क्या बताया, फ्रूट्स कितने लेने चाहिए? मैम फ्रूट्स आई थिंक 2 to 3 सर्विंग्स, 2 to 3 सर्विंग्स, 2 to 4 फ्रूट्स, 3 to 5 वेजिटेबल्स। Please, all of you, you are the student of nutrition, so you have to remember these things. My pyramid is very important. My pyramid and a food guide pyramid, we can say that. आप please इनकी जो servings हैं, उनको please remember रखें. ये simple से आपको बता रहे हैं कि 3 meal बनाना, जो at least my pyramid को देख के आपने बनाना, ठीक है ना? कि आपने उसमें कम से कम एक दिन में 2 से 4 fruits खाने, 3 से 5 vegetables की servings होनी चाहिए, ठीक है ना? At least ये basic है, 2 से 3 दूध की सर्विंग है, मिल्क सर्विंग है, 2 to 3 servings आर द मील। तो ये चीजों को देख के अगर हम प्लान कर दें, तीनों मील में हमको डिवाइड कर दें, तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या करें, माय पिरामिड को फॉलो करें, यानी कि हम हेल्थ को फॉलो करें, ठीक है? यस मैम, ठीक है। तो गोल्स ऑफ गुड हेल्थ, जैसे कि फिश और पोल्ट्री हम एटलीस्ट 4 times a week कंज्यूम करें, इससे हमारी गुड हेल्थ इंश्योर होगी। ये हमारे पास फिर अपने गोल्स डिफाइन करेंगे, हम एक हफ्ते में एटलीस्ट इतनी फिश और पोल्ट्री कंज्यूम करेंगे, हम अपने पोर्शन साइज को स्मॉलर रखेंगे ताकि हमारे पास वेट गेन ना हो, हम जो रिच डिजर्ट्स हैं, डिजर्ट्स हम लोग हफ्ते में एक से ज्यादा बार नहीं खाएंगे। सर्विंग ब्रेकफास्ट अर्ली इनफ फॉर पीपल टू ईट अनहरल्डली बिफोर लीविंग टू स्कूल और वर्क। नाश्ता कभी नहीं छोड़, ब्रेकफास्ट शुड ऑलवेज बी टेकन। लेकिन आप खुद देख रहे हैं अपने आप को, आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाश्ता नहीं करके आते, ठीक है कि नहीं है? यस मैम। So there are lots of health hazards those who do not take breakfast. और ये कहते हैं कि मैडम सुबह उठते ही लेते हैं, लेकिन जितना आप लोग घर से यहाँ तक आते हैं, you can take a sandwich with you, you can take a bread piece with you. So in this way आप जो है अपनी कुछ ना कुछ एटलीस्ट ब्रेकफास्ट में जरूर खाया करें, अदरवाइज इट विल लीड टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और आपकी बॉडी पे काफी सारे हेल्थ इफेक्ट जरूर होते हैं, ठीक है? सबसे पहला है lack of consciousness. तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्लास में प्रॉपरली, नींद आती है, तंग होते हैं, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एक और, किसी के लिए अगर वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि कई लोग जाते हैं कि हम मनी एज अ वैल्यू शो करते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके गोल्स कैसे होंगे फिर, उनके माइंड में क्या होगा खाने को लेकर, जिसके लिए मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मनी बचाना उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो फिर वो क्या करेंगे? मैम हेल्थ को भी सामने रखेंगे, लेकिन फिर कुछ चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जो कॉस्ट। चलिए इसी को लेके देखते हैं, इसी को जो हमने अभी गोल्स हेल्थ के लिए बनाया है, इसी में थोड़ा चेंजेस करके देखें। अब हम बोलेंगे पैसा इम्पोर्टेंट, यू नो फिश इज कॉस्टली, ऐसे ही है ना? हेलो, यस यस मैम। तो इट दिस कैन द सब्स्टिट्यूट फॉर द फिश कुड बी यूज्ड, लोग दालें कंज्यूम करते हैं फिर, ठीक है ना? और जब उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं विद द रोटी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है ना? फिर हम लोग डिजर्ट, रिच डिजर्ट जो है वो हम लोग ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि going to restaurant only once a month,
एक हमारे पास बोल सकते हैं कि रेस्टोरेंट विजिट जो हम लोग कम कर दें, ठीक है ना, गोइंग फॉर अ पार्टीज नो मोर देन वंस अ मंथ इफ देयर इज एनी, ठीक है, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पार्टी एट होम. तो इस तरह के ऑप्शन हम घर पे रखेंगे. फिर लुकिंग फॉर दी मार्केट विद दी चीप प्राइसेस, ये हमारे पास गोल्स होंगे फिर, ठीक है, कि हमने ये चीजें भी देखनी है साथ में और फिर इसको फूड में भी इनकॉर्पोरेट करना है. ओके, देन मूव गोइंग ऑन टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट. हमने मील प्लानिंग के बारे में काफी पढ़ा, हम लोग थोड़ा सा मील मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं. देर आर सिक्स एक्चुअली स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो इन मैनेजमेंट ऑफ द मील प्लानिंग, ठीक है. सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डेलीगेशन इज इम्पॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटिंग, सुपरवाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग. ये एक जब आप मेन्यू प्लान करते हैं तो उसको स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, एंड तक किस तरह इवैल्यूएट करना है, किस तरह उसको देखना है, जाना कैसे स्टेप बाय स्टेप, ये आपको मैं सिखाऊंगी. सबसे पहले है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेटिंग, व्हाट इज डेलीगेशन, आई विल बी टीचिंग यू, इम्प्लीमेंटिंग, सुपरवाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग. हम इन हर एक चीज का पहले मीनिंग पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दी वाइटल पार्ट्स. प्लानिंग फर्स्ट. प्लानिंग मीन्स किचन प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग फूड शॉपिंग प्रिपरेशन सर्विस एंड क्लीनअप. पहले प्लान करना किचन प्लानिंग. मम्मा क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल उन्हें खाना बनाना होता है किसी के लिए, घर में गेस्ट आ रहे हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो किस तरह की प्लानिंग घर में हो रही होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मुझे कुछ बताएगा, खासकर फीमेल्स उसको ज्यादा शौक से खा सकती है तरीके से. सबसे मैम मेन्यू डिसाइड करते हैं, पहले मेन्यू डिसाइड करते हैं. गुड, देन वो सामान आता है, इंग्रेडिएंट्स सामान आता है, फूड शॉपिंग होती है, ठीक है, देन या फिर प्लान होता है टाइम भी इतना नहीं है फिर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, टाइम कितना हमने इस पे लग जाएगा हमारा, ठीक है, उसके बाद किस 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 ने खाना सर्व करना है और कौन जो है वो क्लीन अप करेगा, खाने बर्तन वगैरह कौन धोएगा, किचन कौन क्लीन अप साथ साथ करता रहेगा, ठीक है. तो हर एक प्लानिंग पहले से जो है वो माइंड में की जाती है कि सर्विस भी है, क्लीन अप भी करना है और फूड शॉपिंग के लिए भी जाना है, फूड को प्रिपेयर भी करना है, मैरिनेट करना होगा, ये सब चीजें सारी प्लानिंग जो होती है सबसे पहले होती है, ठीक है ना. कितने लोग आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑल्सो दिस, कितने लोग आ रहे हैं, प्लस अगर लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या हमारे पास जो डिशेज हैं वो पूरी हैं कि नहीं. ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा ग्लासेस चाहिए, ज्यादा प्लेट चाहिए, ज्यादा स्पून चाहिए, तो एवरीथिंग हैज टू बी प्लान प्रॉपरली, ठीक है. ये प्लानिंग हो गया आपकी, यानी कि अभी आप जो है एक डायग्राम सा बना रहे हैं कि ये चीजें हमने स्केच बना रहे हैं, सब करना है, ठीक है. अब ये रफली एक स्केच था, ठीक है, अब ऑर्गेनाइज करना. जी उनकी जी वैल्यूज को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या पसंद करते हैं. हाँ, वेरी गुड. अब वैल्यूज कैसे देखेंगे, अब तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फैमिली में किसी फ्रेंड्स को बुलाया तो हम लोग वैल्यूज में क्या क्या चीजें देखेंगे. सबसे पहले तो हम ये जरूर देखेंगे खाना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वो लोग आ रहे हैं बाहर से, व्हाट वुड दे बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. जी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है जब आपके पास कोई घर में गया था, सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या होगी. जी बेटा, मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टोर्ट हो रही है. मैम अभी भी हो रही है. हेलो, इट इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट. यस मैम, क्लियर है. ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप अभी मैंने आपको समझाया भी इस चीज के बारे में कि अगर कोई आपके घर आ रहा है तो उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या होगी. मैम गुड हेल्थ. नो जी, मैम गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड टेस्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, आपने किसी को अपने घर बुलाया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, आप उनसे मिलना चाहते हैं, सोशल मैम की लाइक्स और डिसलाइक्स. सोशल वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन आप जाना चाहते हैं कि आपका जो फूड होगा वो आपका फूड अच्छा जरूर होना चाहिए, ऑब्वियसली टेस्ट तो हर कोई देखता है, लेकिन इट शुड बी एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले सोशल वैल्यू, लोग आपके पास आ रहे हैं, यू हैव टू गिव देम इनफ टाइम ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं, ये नहीं कि आप किचन में रहें और वो लोग बाहर अपना खाना वाना खा के तो आप चले जाएं, आप उनको बैठ के उनसे बात भी ना करें, दिस इज द बैड मैनर. जब आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं,
यू हैव टू गिव देम इनफ टाइम कि आप उनके आने से पहले खाना जो है वो बिल्कुल रेडी कर ले, जब वो आए उनको प्रॉपरली आप उनको रिसीव करें. सिर्फ आप किचन में इसलिए जाएं कि खाना गर्म करवाना हो या गर्म करना हो, दैट्स इट. सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जब कोई अपने घर आता है तो सोशल वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्रिएटिविटी पे, सब चीजों पे, लेकिन ये सारी की सारी प्लानिंग में आती है और ये हम लोग पहले से सोच के रखते हैं. ठीक है, सो सेकेंड ऑप्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन. एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मील प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइज नहीं होती, पहले हमने एक रफ सा प्लान बनाया कि ये भी चीजें लानी, वो भी लानी, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन ऑर्गेनाइज अगर नहीं होगी कि पहले मैंने मैरिनेट करना है, फिर ये करना है, अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, जगह जगह पे चीजें नहीं रखी होंगी. जैसे कि अब आप किचन को देख लें, मम्मा ने किचन बड़ा ऑर्गेनाइज रखा होता है, मसाले एक जगह पे, ग्लासेस या बाकी जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं वो एक जगह पे होते हैं, ऐसे ही नहीं घर पे. यस मैम, अगर ऑर्गेनाइज नहीं होगा तो क्या होगा, एक मसाला वहां ढूंढो, दूसरा वहां ढूंढो, ऐसे होता कि नहीं होता. यस मैम, यस मैम, टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. कटिंग एरिया में कटिंग हो रही हो, आपकी वॉशिंग एरिया में वॉशिंग हो रही हो. ठीक है, तो इस तरह हर चीज अगर ऑर्गेनाइज होगी तो आपके हर एक रिसोर्सेज का, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, आपके टाइम का अच्छा इस्तेमाल होगा, आपकी एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल होगा. आप भागते नहीं रहेंगे किचन में एक साइड से दूसरी साइड तक. इसी तरह आप रेस्टोरेंट में जाएं कभी तो उनका बेकिंग सेक्शन अलग होता है, उनका जो है मैरिनेटिंग सेक्शन अलग होता है, उनका जो मेजर मील्स का सेक्शन अलग होता है, उनके जो स्नैक्स का सेक्शन होता है जो वो अलग होता है, स्टार्टर्स का सेक्शन अलग होता है. तो दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, ऑर्गेनाइज करना. फिर नेक्स्ट इज द डेलीगेशन. डेलीगेशन मीन्स नीड टू कंसिडर द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल. अब हर एक जिसको बेकिंग जिसको अच्छी आती है, ऑब्वियसली बात है वही बेकिंग करेगा कि नहीं, कि आप मैं गेस्ट आ रहे हो अपना, आप उस वक्त ट्राई कर रहे हो, मैं बेकिंग करने की कोशिश करूं, विल यू डू लाइक दैट? नो मैम. नहीं तो आप क्या करेंगे, जो बेकिंग में जिसकी स्किल्स अच्छी है वो बेकिंग करे, जिसकी मैरिनेशन में अच्छी स्किल वो मैरिनेशन करे, मैरिनेट करे, जिसकी सर्विंग की स्किल्स अच्छी है वो सर्व करे. खासकर बच्चियों को प्लेट्स लाने जाने के लिए काम पर दिया जाता है या सैलेड बनाने के लिए, अच्छा आप इस चीज को खुद भी घर पे देखती होंगी. ठीक है, कई को कई लोगों के लिए जो बर्तन अच्छे होते आप बर्तन धोना. ठीक है, सो हर डेलीगेशन मीन्स दैट हर एक की कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करना. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दिस देयर विल बी अ मेस. ठीक है, एंड क्लियर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. जब आप यहाँ पे किचन में भी काम करेंगे, आई बी गिव डिवाइडिंग यू इनटू ग्रुप्स, तो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर. यानी कि एक बंदा पश्तो बोल रहा है, एक इंग्लिश बोल रहा है, एक उर्दू बोल रहा है. वन लैंग्वेज शुड बी यूज्ड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग द मील प्रिपरेशन. अब इम्प्लीमेंटेशन. हमने सारा काम कर लिया, प्लान किया, फिर हर चीज को ऑर्गेनाइज करके रखा, फिर हमने हर को अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट किया. अब हम एक्चुअली उस चीजों को इम्प्लीमेंट करें, यानी कि हम काम करना शुरू करें. जिसने खाना, जिसने शॉपिंग करने जाना थी वो जाए शॉपिंग करके लेके, जिसने फिर जो भी वो चीजें लेके, जिसने हैंडल करना था, उनको स्टोर करना था, प्रिपेयर करना, जिसे क्लीन करना था, वो सारा काम जिनका है वो अपना अपना काम करें. अब नाउ एक्चुअली दे आर वर्किंग. पहले क्या था, प्लान, ऑर्गेनाइज एंड डेलीगेट, यानी डिवाइड करना अमंग इंडिविजुअल्स. अब क्या है, इम्प्लीमेंट करना. कई लोग होते हैं सुपरविजन में बड़े अच्छे होते हैं, खासकर जब आप लोग बच्चियां काम करेंगे बड़े हुए, तो आपके एक बंदा होता है सुपरवाइज करता है, देखने आ रहा सिर्फ कि जो चीज कही थी वैसे बन रही है कि नहीं बन रही. ठीक है ना, एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मील मैनेजमेंट. जिससे मैनेजर होता है वो आके सुपरवाइज करता है, देखता है, या जो हेड शेफ होता है वो आके देखता है हर एक शेफ को क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं. ठीक है, क्या उनमें चेंजेस आने की जरूरत है, कहीं कोई क्लियर डायरेक्शन की जरूरत तो नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर इन दी सुपरविजन. एम्प्लॉय मोरल इज की कॉम्पोनेंट ऑफ मैनेजमेंट सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट. के एम्प्लॉय मोरल उनकी, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ अच्छा बनाया है, यू शुड अप्रिशिएट दैट. आपने बड़ा अच्छा सैलेड बनाया, आपको कहे सैलेड बहुत अच्छे से डिजाइन किया, सिंपल इतनी सी बात पर कर रहे, यू विल बी हैप्पी विद दैट. नेक्स्ट टाइम आप खुशी से नया आइडिया सोचेंगे. अगर कहे कि अच्छा लगे आपको फिर भी आप उसकी तारीफ नहीं करते, तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा.
देन एडिक्वेट ट्रेनिंग, क्लियर डायरेक्शंस एंड रिकॉग्निशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट. कि सुपरविजन में जो सुपरवाइज करता है उसको चाहिए कि हर देखे कि हर एक की ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही होगी, क्लियर डायरेक्शन उनको दिए गए हों, उनको पता हो कि क्या क्या चीजें इन्होंने बनानी है, किस तरह बनानी है. एंड द लास्ट, सब कुछ बना दिया, सुपरवाइज हो गया, एवेल्युएशन कि हमने आज ये एवेल्युएशन का मतलब कि हम देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिनकी अभी मॉडिफिकेशन की या इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी. एवेल्युएशन का मतलब है असेस करना, देखना, उन चीजों को जानना, उन फैक्टर्स को डिफाइन करना जिनमें अभी भी मॉडिफिकेशन की और इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल खाना बना लिया, दाल में नमक कम था, नेक्स्ट टाइम आपको बोलेंगे नमक थोड़ा सा ना तुमने ज्यादा डालना, नेक्स्ट टाइम मिर्च ज्यादा तो मिर्च कम डालनी. सिंपल एग्जाम्पल दे दो. बट इन इन कैफेटेरियाज इन रेस्टोरेंट देयर इज लॉट ऑफ इवैल्यूएशन डन थ्रू आउट देयर डे. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट? ओके. Yes, so I'll end up the lecture here. Time is over so soon. According to me, I don't know. According to you, you might be tired of the previous lectures also. So if you have any questions, any queries, you can ask. If you have any questions, Peter, any queries, you can ask. Peter Bob. Anything better? Ma'am. Okay then. Everybody take care. See you in the next class on Monday with the new practical. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.